नमस्कार। मैथमेटिकल फिजिक्स के अंतर्गत आज हम एक विशेष इम्पॉर्टेंट फंक्शन जिसे डिराक डेल्टा फंक्शन कहते हैं उसे परिभाषित करेंगे तथा उसके कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ का हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। डिराक डेल्टा फलन को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है। ये किस प्रकार का फलन है जिसकी ऊंचाई अत्यधिक होती है, अर्थात इसमें एक स्पाइक होता है और इसकी चौड़ाई बहुत ही संकीर्ण या नैरो होती है तथा इसके द्वारा घिरे गए परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल इकाई होता है, जैसा कि चित्र में डिराक डेल्टा फंक्शन डेल्टा एक्स को एक्स अक्ष पर ग्राफीय रूप से दर्शाया गया है, जिसमें कि एक्स इक्वल टू जीरो पर एक स्पाइक मिला हुआ है और इसकी चौड़ाई यहाँ पर अल्प दिखाई गई है, संकीर्ण दिखाई गई है। यद्यपि यहाँ पर कुछ हमने अल्प चौड़ाई जैसे ये दिखा रखी है, हम एरो पॉइंट से यहाँ पर इसको शो कर रहे हैं। यदि हम एरो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस और कम करेंगे तो वाई अक्ष पर इसकी जो ऊंचाई होगी, जो स्पाइक होगा, उसमें और अत्यधिक वृद्धि हो जाएगी और हमें ये एक तीक्ष्ण स्पाइक के रूप में प्राप्त होगा। इसका उपयोग संधारित्र के क्षणिक आवेशन में, क्योंकि जब संधारित्र को हम आवेशित करते हैं विद्युत टर्मिनल से जोड़ करके, तो उसमें हमें क्षणिक आवेशन प्राप्त होता है। संधारित्र क्षणिक रूप से ही आवेशित हो जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अल्पांश समय में आवेग अर्थात इम्पल्स की प्रॉब्लम्स में और दो भूसंपर्कित समांतर चालक प्लेटों के मध्य रेखिक आवेश द्वारा विद्युत वैभव आदि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से गणितीय रूप में यदि हम इसको परिभाषित करें तो हम ये कह सकते हैं कि डिराक डेल्टा फलन डेल्टा एक्स का मान शून्य होता है यदि एक्स नॉट इक्वल टू जीरो हो, जैसा कि ये एक्स इक्वल टू जीरो का पॉइंट है जहाँ पर कि हमें एक तीक्ष्ण या बहुत अत्यधिक ऊंचाई प्राप्त होती है। एक्स इक्वल टू जीरो पर अगर इसकी चौड़ाई बहुत ही तीक्ष्ण या नगण्य मात्र कर दी जाए तो हमें एक तरीके से इनफाइनाइटली लार्ज स्पाइक मिलेगा तथा एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होने पर इस फलन का मान शून्य होता है। इसके अतिरिक्त यदि हम एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के मध्य में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो हमें एकांक मिलेगा। तो ये इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। यहाँ पर जो शिखर मान है, आवश्यक नहीं है कि वह x इक्वल टू जीरो पर ही हो, हम उसे x इक्वल टू जीरो के अतिरिक्त अर्थात मूल बिंदु के अतिरिक्त भी विस्थापित कर सकते हैं, जैसा कि ये दूसरे इस चित्र में हमने x इक्वल टू a बिंदु पर स्पाइक दर्शा रखा है। तो उस स्थिति में डिराक डेल्टा फलन का हम डेल्टा x माइनस a द्वारा परिभाषित करते हैं और पूर्व के समान ही इसका मान जीरो होगा यदि x नॉट इक्वल टू a होगा और यह इन्फाइनेटली लार्ज होगा इफ़ x इक्वल टू a होगा तथा इसका क्षेत्रफल पूर्व के समान ही यूनिटी होगा। तो यह इस प्रकार से इसकी परिभाषा है। इसको हम स्थानांतरित गुण भी इसका कह सकते हैं, जब हम जो पीक है वो x इक्वल टू जीरो पर ना लेकर के x इक्वल टू a पर लेते हैं। अब हम इसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पर विचार करते हैं। तो ये हम यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं जिसमें कि हमने यह सिद्ध करना है कि डेल्टा माइनस एक्स का मान डेल्टा एक्स के इक्वल होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम डेल्टा एक्स का
माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के मध्य में जो हमने अभी क्षेत्रफल के रूप में प्रॉपर्टी या परिभाषित किया था कि इसका मान एकांक होता है, इस सूत्र में अब यदि हम x को माइनस x से प्रतिस्थापित करें तो उस स्थिति में जो इंटीग्रल है उसकी लिमिट चेंज हो जाएंगी प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी, और इंटीग्रल में ये जो डेल्टा x था, जहाँ पर ये डेल्टा x है, इसको हम डेल्टा माइनस x लिखेंगे x को माइनस x से प्रतिस्थापित कर, और dx में भी d माइनस x लिखेंगे। जैसा कि d माइनस x में से जो माइनस है वो यहाँ पर आउटसाइड द इंटीग्रल आ जाएगा, और उस स्थिति में अब जब हम इसकी लिमिट्स चेंज कर देते हैं तो इंटीग्रल के बाहर हमें यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन मिलेगा, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल डेल्टा माइनस एक्स डी एक्स, यह चूँकि यूनिटी है और पूर्व में क्षेत्रफल की जो हमने परिभाषा दी थी उसके आधार पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की लिमिट्स के मध्य में डेल्टा एक्स का डी एक्स का मान भी यूनिटी ही होता है। इस प्रकार से दोनों साइड की तुलना करने पर हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि डेल्टा माइनस एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स होगा। इसी प्रकार से अब हम ये दूसरी परिभाषा के रूप में डेल्टा डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स प्रूव करेंगे, जहाँ पर कि डेल्टा डैश का अभिप्राय डी ओवर डी एक्स से है। इस प्रकार से डेल्टा डैश माइनस एक्स को हम डी अपॉन डी माइनस एक्स डेल्टा माइनस एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्स को हमने माइनस एक्स से प्रतिस्थापित किया हुआ है। डिनोमिनेटर में डी माइनस एक्स को हम प्लस डी एक्स लिख सकते हैं, और इसका जो माइनस है वो आउटसाइड आ जाएगा। इस प्रकार से इस समीकरण में हम ये मान प्राप्त करते हैं माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल्टा माइनस एक्स। अभी प्रथम गुण के आधार पर जैसा हमने प्रूव किया है कि डेल्टा माइनस एक्स का मान डेल्टा एक्स होता है, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर प्रयुक्त कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम ये डेल्टा माइनस एक्स के स्थान पर यह हम डेल्टा एक्स यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस प्रकार से हम इसे अब माइनस डेल्टा डैश एक्स कह सकते हैं, क्योंकि डी अपॉन डी एक्स ऑफ डेल्टा उसको हम डेल्टा डैश एक्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से ये दूसरी प्रॉपर्टी में हमने सिद्ध किया कि डेल्टा डैश माइनस एक्स का मान माइनस डेल्टा डैश एक्स के बराबर होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू जीरो, इसको अब बहुत ही आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। जैसा कि अब हमने डिराक डेल्टा फंक्शन की परिभाषा में दिया है कि x इक्वल टू जीरो होने पर डेल्टा x का मान इन्फाइनेटली लार्ज होता है, अर्थात शून्य नहीं होता, तथा जब x नॉट इक्वल टू जीरो होता है तो उस स्थिति में डेल्टा एक्स का मान शून्य होता है। तो इन दोनों स्थितियों में हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से एक्स के प्रत्येक मान के लिए एक्स डेल्टा एक्स हमें शून्य मिलेगा। इसके पश्चात अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी फोर्थ प्रॉपर्टी के रूप में अब हम यहाँ पर यह सिद्ध कर रहे हैं कि एफ एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू एफ जीरो डेल्टा एक्स होगा। इसको हम इस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं कि जब x नॉट इक्वल टू जीरो हो, अर्थात x इक्वल टू जीरो के अतिरिक्त सभी मानों पर डेल्टा x का मान शून्य होने के कारण एफ एक्स डेल्टा x शून्य होगा। अतः जब x बराबर जीरो होगा तो उस स्थिति में एफ एक्स डेल्टा x का मान हम यहाँ पर एफ जीरो डेल्टा x लेंगे, क्योंकि जहाँ पर एफ जीरो यह एफ एक्स का फलन एफ एक्स का मान एक्स इक्वल टू जीरो की अवस्था में है। तो इस प्रकार से एफ एक्स डेल्टा एक्स का मान एफ जीरो डेल्टा एक्स होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के रूप में हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, इसका मान
एफ जीरो के बराबर होता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए अभी जो हमने ये फोर्थ प्रॉपर्टी में सिद्ध किया है इस समीकरण का, अब हम दोनों ओर समाकलन करते हैं माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिमिट्स में। हम जब इसका ये समाकलन करेंगे तो इस प्रकार से हमें राइट हैंड साइड के अंदर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ जीरो डेल्टा एक्स डी एक्स मिलेगा। एफ जीरो जो कि एक्स के इंडिपेंडेंट है, इसको हम इंटीग्रल के आउटसाइड ले सकते हैं। अतः हमें एफ जीरो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स मिलेगा। और इस इंटीग्रल का मान परिभाषा से कि हमने एक्स एक्सिस पर डिराक डेल्टा फलन द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल का मान यूनिटी होता है, तो जब हम इसका मान यहाँ पर इकाई रखेंगे तो हमें RHS में एफ जीरो ही मान प्राप्त मिलेगा। इस प्रकार से जो ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है इसको हम यहाँ पर डेराइव कर सकते हैं। इसके बाद अब हम ये सिक्स प्रॉपर्टी में ये शो कर रहे हैं कि एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अर्थात माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल हम जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं तो हम यहाँ पर एक्स को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करते हैं और डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स को सेकंड फंक्शन एज्यूम करते हैं। तो इस प्रकार से इसका मान होगा इस इंटीग्रल का फर्स्ट फंक्शन अर्थात एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ दिस सेकंड फंक्शन, तो इस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन का मान डेल्टा एक्स होगा। और फिर माइनस इंटीग्रल डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन अर्थात एक्स का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स वन होगा, और इंटीग्रल ऑफ सेकेंड फंक्शन जो कि डेल्टा एक्स है डी एक्स, जब हम इसका मान निकालेंगे तो ये फर्स्ट टर्म जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इसका मान जीरो हो जाएगा, और जो सेकेंड इंटीग्रल है उसके अंदर हमें यहाँ पर माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स मिलेगा। दोनों ओर के समीकरण की जब हम इस प्रकार से तुलना करते हैं तो जो इंटीग्रेंट्स होंगे मींस इनसाइड द इंटीग्रेशन टर्म्स, उनकी तुलना करने पर हमें एक्स डी अपॉन डी एक्स डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि डेल्टा के एक्स इक्वल टू वन अपॉन के डेल्टा एक्स होगा वेयर एक्स इज एनी कॉन्स्टेंट टर्म। तो इसे सिद्ध करने के लिए हम पुनः लेफ्ट हैंड साइड की टर्म का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के लिमिट्स में इंटीग्रेशन करते हैं, और इसी प्रकार से जब राइट हैंड साइड में हम जब इसका मान लिखेंगे तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि डेल्टा के एक्स जो कि हमें जिसका हमें इंटीग्रेशन करना था, यहाँ पर हम के से डिवाइड करते हैं और डी के अंदर के का एक्स के साथ में मल्टीप्लिकेशन दिखाते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि वन अपॉन के कॉन्स्टेंट टर्म है, वो इनसाइड इंटीग्रल से बाहर आ जाएगी वन अपॉन के, और इंटीग्रल के अंदर हमें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा वाई डी वाई मिलेगा, जहां हमने के एक्स के स्थान पर वाई यूज़ किया है। अब डिराक डेल्टा फलन की परिभाषा से हमें जो क्षेत्रफल की प्रॉपर्टी थी उससे हमने जाना था कि इस इंटीग्रल का मान यूनिटी होगा, तो इसका मान यूनिटी रखने पर हमें इसका मान वन अपॉन के प्राप्त होता है। और फिर पुनः हम वन अपॉन के इंटू वन के स्थान पर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर एल एच एस और आर एच एस दोनों साइड का जब कंपेरिजन करते हैं तो हमें पुनः जो इंटीग्रेंट्स की वैल्यूज़ होंगी जो कि दोनों साइड में वो बराबर होनी चाहिए, और हमें इस प्रकार से डेल्टा के एक्स इक्वल टू वन अपॉन के डेल्टा एक्स प्राप्त होगा। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि शिफ्टिंग या ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी होती है उसका उपयोग करके हम ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहे हैं, जिसका कथन इस प्रकार है
एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए इक्वल टू एफ ए डेल्टा एक्स माइनस ए। इसके लिए जो हमने परिभाषा दी थी फोर्थ प्रॉपर्टी में स्थानांतरण प्रॉपर्टी की, उसका हम यहाँ पर यदि उपयोग करें कि हम x के स्थान पर x माइनस ए रख दें, अर्थात जब जो पीक है स्पाइक है डिराक डेल्टा फलन के चित्र के अंदर, वो x इक्वल टू जीरो से यदि हम उसको x इक्वल टू ए पर जब शिफ्ट कर देते हैं तो हम इसे इस प्रकार से व्यक्त करेंगे एफ एक्स डेल्टा x माइनस ए इक्वल टू एफ ए डेल्टा x माइनस ए। अर्थात हमने जो फोर्थ प्रॉपर्टी थी उसमें x के स्थान पर जो पीक था स्पाइक है उसको x इक्वल टू ए पर शिफ्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी में हम इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स, इसको हम एफ ए के इक्वल प्रूव करेंगे। इसके लिए जो अभी हमने ऊपर एर्थ प्रॉपर्टी का ये जो स्टेटमेंट दिया था उसका यदि हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो इस प्रकार से हमें जो ये समीकरण मिलेगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस ए डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हम यहाँ पर एफ ए को आउटसाइड द इंटीग्रल बाहर निकाल सकते हैं और इंटीग्रल डेल्टा एक्स माइनस ए इसकी वैल्यू हमें यूनिटी मिलेगी और इस प्रकार से हम एफ ए के इक्वल इसको प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम ये एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं कि इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा एक्स माइनस ए डेल्टा एक्स माइनस बी डी एक्स इक्वल टू डेल्टा बी माइनस ए। इसके लिए जो अभी हमने ये नाइन्थ प्रॉपर्टी प्रूव की है उसमें हम यदि स्पाइक है उसको एक्स इक्वल टू बी पर यदि हम एज्यूम करें तो उस केस के अंदर अभी जो नाइन्थ प्रॉपर्टी थी उसके आधार पर माइनस इंटीग्रल इंटीग्रल लिमिट्स फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस बी डी एक्स इक्वल टू हमें एफ बी मिलेगा। जैसे नाइन्थ प्रॉपर्टी में हमने एफ ए लिखा है इसी प्रकार से यहाँ एफ बी होगा। अब यदि हम एफ एक्स के स्थान पर एक फंक्शन डेल्टा एक्स माइनस ए एज्यूम करें और उसको इस इंटीग्रल के अंदर रखें तो हमें यहाँ पर जैसे यहाँ पर पहले इंटीग्रल एफ एक्स लिखा हुआ है, अर्थात जब हमने इसका मान लिखा है राइट हैंड साइड में तो हमने एक्स इक्वल टू बी इसमें पुट किया है। इसी प्रकार से जब हम यहाँ पर एफ एक्स के स्थान पर डेल्टा एक्स माइनस ए लेंगे तो यहाँ पर इसका मान एक्स इक्वल टू बी पर जब हम लिखेंगे इस फलन का मान तो हमें वो डेल्टा बी माइनस ए प्राप्त होगा। अब हम इसी प्रकार से जैसे अभी हमने ये वन डायमेंशनल डिराक डेल्टा फलन पढ़ा है अब हम इसी तरीके से ये थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन को भी परिभाषित कर सकते हैं कि स्पेस के अंदर किसी पॉइंट एक्स वाई जेड पर, अर्थात जिस पॉइंट का पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर इक्वल टू आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड हो तो उस बिंदु पर थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फलन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं डेल्टा क्यूब आर वेक्टर फंक्शन ऑफ आर वेक्टर इक्वल टू डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड, इन तीनों डिराक डेल्टा फंक्शंस का यह मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होगा। और जैसे हमने एक विमीय डिराक डेल्टा फलन को परिभाषित किया था उसी प्रकार से अब जैसे वहाँ पर एक्स इक्वल टू जीरो होने पर डिराक डेल्टा फलन का मान इन्फाइनेटली लार्ज होता था और एक्स का मान शून्य नहीं होने पर यह शून्य होता था, उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स वाई जेड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जब जीरो 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 नहीं होंगे तो हमें इसका मान शून्य मिलेगा और जब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के मान जीरो 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 होंगे तो यह शून्य नहीं होगा और इन्फाइनेटली लार्ज होगा। इसी तरीके से जो क्षेत्रफल की परिभाषा में हमने पहले एकविमीय फलन के लिए परिभाषित किया था कि उसका मान घेरे गए क्षेत्रफल का मान इकाई होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फलन का भी जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं
इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, तो ये भी यूनिटी होगा। और उसी तरीके से स्थानांतरण प्रॉपर्टी का मान यूज करते हुए इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू होल स्पेस एफ आर डेल्टा क्यूब आर माइनस ए डी टाउ इक्वल टू एफ ए होगा। तो इस प्रकार से हमने डिराक डेल्टा फलन की कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ और इसकी डेफिनेशन हमने समझी। इसका उपयोग हम यहाँ पर अनेक भौतिकी की प्रॉब्लम्स में करते हैं, और जो लास्ट बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का मैथमेटिकल फिजिक्स के चैप्टर में जो लास्ट चैप्टर होगा उसके अंदर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए दो पैरेलल प्लेट्स के बीच में एक रैखिक आवेश पारित होने पर उसके परित विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के मानों को ज्ञात करने की प्रॉब्लम्स में हम डिराक डेल्टा फलन का उपयोग उस लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद।